मेरे को शुरू से ही बड़ा शौक था सबकी हेल्प करने का, गैजेट्स को लेके अपनी मेहनत करके रिसर्च करके लोगों को बताता था आप ये फ़ोन लो, आप ये स्मार्ट वॉच लो। तो मेरी वाइफ ने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना आप यूट्यूब चैनल शुरू करके दुनिया की हेल्प करो और सबको अपने अपना गैजेट चुनने में मदद करो। तो वही काम मैंने शुरू किया और सबको वो पसंद भी आने लगा। मेरे भाई ने भी अपने पैसे खर्च कर करके मुझे वॉचेस दिलाई अनबॉक्सिंग के लिए, ताकि मेरा चैनल और जल्दी से ग्रो कर सके और जल्दी से जल्दी मैं सब्सक्राइबर्स को साथ में ले सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आपका मेरे चैनल माहिदा टेकी पर। दोस्तों आज कोई हम कंपैरिजन नहीं करने जा रहे हैं, मैं आप सबको एक खबर देने जा रहा हूं कि मेरे चैनल पे मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम का जो क्राइटेरिया है वो मीट कर लिया है। आप सबकी हेल्प की वजह से, आप सबके सपोर्ट की वजह से ही ये मैं टारगेट पूरा कर पाया हूँ और आज मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल भी कर दिया है यूट्यूब ने। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं था। मैंने अपने जितने भी कंपैरिजन रिव्यूज़ आपके लिए शामिल किए, आपके लिए पेश किए, वो सब आपको काफ़ी अच्छे लगे, आपने काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए, कुछ बुरे कमेंट्स भी आए जिसकी वजह से मुझे अपने वीडियोस को इम्प्रूव करने में भी मदद मिली। तो मैं आप सबका हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे टारगेट को अचीव करने के लिए। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टारगेट मैंने अचीव कैसे किया। देखिए अभी मेरे चैनल को पूरे 4 महीने नहीं हुए हैं और जब मैंने सुना था कि आपको 4000 जो है वॉच आवर्स लेने होते हैं और 1000 सब्सक्राइबर करने होते हैं, तो मैं बहुत घबरा गया था शुरू में चैनल शुरू करने के टाइम पर कि यार 4000 घंटे मतलब 240000 मिनट, क्योंकि आप जो YouTube एनालिटिक्स देखते हैं तो उसमें मिनट्स में टाइम आता है। तो यार मैंने कहा 240000 कौन देखेगा मेरे चैनल को, यार ये कैसे अचीव होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, मैं अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन, तो मैंने कहा कि यार इसको थोड़ा अकाउंटिंग तरीके से देखते हैं कैसे मीट कर सकते हैं। तो मैंने 240000 को 12 से डिवाइड किया, क्योंकि टारगेट 1 साल में पूरा करना था। तो मैंने कहा यार 1 साल का लेके चलते हैं कि मुझे 1 साल लग ही जाएगा। तो मेरे पास टारगेट आया कि 20000 पर मंथ, तो मुझे दिमाग में बैठ गया कि हाँ यार मुझे 20000 पर मंथ मीट करना है। तो देखिए जो भी बड़ा टारगेट होता है उसके पास जाने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, समझ लीजिए सीढ़ियाँ। तो 12 सीढ़ियाँ मुझे तय करनी थी जिनसे मैं चढ़ के अपना 4000 आवर्स का वॉच टाइम पूरा कर सकूँ, उसको मीट कर सकूँ। तो मैंने उस 20000 मिनट्स को टारगेट करके काम करना शुरू किया। तो दोस्तों इन 3-4 महीने की मेहनत के बाद मैंने ये तो जान लिया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको पूरी मेहनत और लगन से रहना है। मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के वीडियो भी देखे जो कहते थे कि आप ये 4000 घंटे तो 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, 1000 सब्सक्राइबर हफ्ते में आपके पूरे हो जाएंगे और बड़े सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताते थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत बराबर करनी है। उसमें से किसी यूट्यूबर की बात मुझे बहुत पसंद आई जिन्होंने ये एडवाइस किया था कि आप मेहनत करते रहो, रेगुलर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फेस कैम का वीडियो बनाओ जिससे कि लोग आपको पहचान सकें, आपकी शक्ल देखते ही आपके वीडियोस को देखना शुरू कर दें। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैंने फॉलो करी और सबसे बड़ी बात अपने कंटेंट पे ज़रूर मैंने काम किया। तो आप देखेंगे जो भी मैं एक ये वीडियो बना के लाता हूँ आपके सामने, उसमें 3 से 4 घंटे का कम से कम समय लगता है। पहले रिसर्च करता हूँ वॉचेस के ऊपर, उसके बाद जाके उसको प्रेजेंटेशन बनाना, फिर उसको एडिटिंग करना, फिर फेस कैम वीडियो रिकॉर्ड करना, तो काफ़ी सारी चीज़ें जोड़ के मेरा एक वीडियो तैयार होता है। तो मैं मेहनत करने से नहीं घबराया सफलता का, क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत इंसान को ज़रूर करनी है। तो जो भी नया यूट्यूबर इस वीडियो को देख रहा है तो मैं ये कहूँगा कि मैंने कोई ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई नहीं करी है अपने चैनल पर, अपने कंटेंट को अच्छा रखा है, भगवान पे और अपनी मेहनत पे भरोसा रखा है, इसलिए लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद भी आई और मैं अपने चैनल को 4 महीने के अंदर अंदर मोनेटाइज करा पाया। और जो वेल विशर्स हैं दोस्तों उनका सपोर्ट तो इसमें बहुत ही ज़रूरी है। तो एक मैं आपको यूट्यूबर के बारे में बताना चाहूँगा, टेक्नो वेन्यू उसका नाम है, जी हाँ, उनका भी आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ वो शेयर करते हैं। न कोई भी नई वॉच कुछ भी आता है तो वो उनके लॉन्च होने से पहले ही मतलब आपके पास वो लेके आ जाते हैं उनकी पूरी डिटेल, और उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करी है मेरे चैनल को आगे ले जाने में, किस तरीके से वीडियो एडिटिंग करनी चाहिए, किस तरीके से मुझे क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए वीडियो के अंदर। तो मैं उनका बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। मैंने उनसे कमिट भी किया था कि जब मेरे 1000 का ये टारगेट पूरा हो जाएगा, चैनल मोनेटाइज होगा, तो मैं आपका जरूर प्रमोशन करूँगा अपने चैनल पर। तो थैंक यू टेक्नो एनी पूरे अपने सपोर्ट को देने के लिए। तो दोस्तों मेन बात मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने टारगेट को छोटा छोटा करके अचीव करते चलें ताकि आप बड़ा टारगेट ले पाएँ। आज भी मेरा चैनल, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा चल गया है, ठीक है, मेरा अब जो मैंने 20-20 हज़ार मिनट का टारगेट रखा था, आज 1,60,000-1,80,000 मिनट्स मेरे 1 महीने में हो रहे हैं, तो जो कि मेरे लिए बहुत ही पर्सनल अचीवमेंट की बात है, जैसा मैंने कभी सोचा नहीं था। हमेशा रेगुलर वीडियोस डालते रहें, हफ्ते में 2 से 3 वीडियो डालने की ज़रूर कोशिश करें, उसके अलावा अपना कंटेंट क्वालिटी वाला रखें और कोशिश करें ऐसी इन्फॉर्मेशन ला के देने की सब यूट्यूबर से पहले जो अभी तक किसी ने शेयर ना की हो। तो कोशिश करें जितनी इन्फॉर्मेशन आप जितनी जल्दी शेयर कर सकते हैं वो कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करें, जो आपके व्यूवर्स आपको कमेंट करके कोई पूछ रहे हैं। मैं आपको अगर अपनी कमेंट्स की हिस्ट्री दिखाऊं, कभी कभी तो हमारे 18 से 20 कमेंट तक बातचीत चलती है,
जी हाँ, लोग मुझसे एडवाइस लेते हैं कि कौन सी वॉच लें जी क्या, तो मुझे इतने लंबे लंबे कमेंट्स लिखने पड़ते हैं, रिसर्च कर करके ला के उनको बताना पड़ता है, लेकिन मैं उससे पीछे नहीं हटता क्योंकि यही मेरा काम है। चैनल का मेरा मेन मकसद यही है कि आपको अपना फेवरेट गैजेट चुनने में मदद मिल सके। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, ईमानदारी से काम करें, इन सारी चीज़ों का पालन करें। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, अनटिल अनलेस आप कोई बहुत बड़ी किस्मत वाले हो कि आपकी शुरू की ही वीडियोस बहुत अच्छे से वायरल हो जाए, आप बहुत बढ़िया कंटेंट लेके आ रहे हो, लेकिन जिनके नहीं आ रहे हैं वो निराश ना हो। एक साल का टाइम देता है यूट्यूब, एक साल को अगर वही 20,000 मिनट से डिवाइड करके चलेंगे, टारगेट रख के चलें, आपका टारगेट ज़रूर पूरा होगा, मेहनत और लगन से काम करते रहें। मेरी भी अभी छोटा सा टारगेट अचीव हुआ है, मंजिल तो अभी बहुत दूर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको जानने में मदद मिली होगी कि कैसे आप बिना डीमोटिवेट हुए, बिना हताश हुए अपने चैनल पर काम करके अपने आप को कैसे मोटिवेट रख के अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू, नया कंपैरिजन लेके। आप सबको एक बार फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। Bye-bye.